22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में भक्तों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुरादाबाद के पीतल नगरी रोडवेज से अयोध्या के लिए अब 2 बस सेवा के लिए शुरुआत कर दी गई है। अब अयोध्या जाने के लिए यात्रियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, उसके लिए 2 बस सेवाओं का शुभारंभ कर दिया गया है। नगर विधायक रितेश गुप्ता ने आज बस सेवा का शुभारंभ किया है और ये कहा है कि भक्तों को अयोध्या तक जाने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। 22 जनवरी को अयोध्या धाम में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं प्रदेश के सभी जनपदों में भारी संख्या में श्री राम भक्तों के अयोध्या धाम पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में श्री राम भक्तों को यात्रा के दौरान किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के द्वारा रोडवेज बसों का संचालन भी अयोध्या धाम के लिए किया जा रहा है। इसी के तहत मुरादाबाद बस अड्डे से भी अयोध्या धाम के लिए सीधी रोडवेज बस सेवा शुरू की गई है। अभी हाल ही में 2 रोडवेज बसों का संचालन अयोध्या धाम के लिए किया गया है, जिसका शुभारंभ नगर विधायक रितेश गुप्ता के द्वारा किया गया। अयोध्या धाम के लिए मुरादाबाद से सीधी रोडवेज बस सेवा शुरू की गई। मुरादाबाद के पीतल नगरी बस डिपो से 2 रोडवेज बस सीधे अयोध्या धाम के लिए प्रस्थान करेंगी, जिसका आज से संचालन शुरू हो गया है। अयोध्या धाम के लिए 2 रोडवेज बसों का शुभारंभ आज नगर विधायक रितेश गुप्ता के कर कमलों द्वारा किया गया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए नगर विधायक रितेश गुप्ता ने कहा कि आज मुरादाबाद पीतल नगरी डिपो, मुरादाबाद डिपो से 2 बसें अयोध्या धाम के लिए सीधी शुरू की गई हैं। मुरादाबाद और पीतल नगरी डिपो से 10 बसें यातायात धाम के लिए चलाने की प्लानिंग उत्तर प्रदेश सरकार की है। मैं इस अवसर पर अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करना चाहता हूँ। उनके माध्यम से मुरादाबाद से अयोध्या धाम के लिए सीधी बस शुरू हुई है और मैं मुरादाबाद की जनता से आह्वान करना चाहता हूं कि वो लोग इन बसों के माध्यम से अयोध्या धाम श्री रामलला के दर्शन करने के लिए जरूर जाएं और धर्म लाभ कमाएं। आज मुरादाबाद पीतल नगरी डिपो और मुरादाबाद डिपो से 2 बस अयोध्या जी के लिए सीधी शुरू की गई हैं। मुरादाबाद और पीतल नगरी डिपो से 10 बस चलाने की प्लानिंग उत्तर प्रदेश सरकार की है। मैं इस अवसर पे अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। उनके माध्यम से मुरादाबाद से सीधा अयोध्या के लिए बसें शुरू हुई हैं और मैं मुरादाबाद की जनता से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि वो लोग इन बसों के माध्यम से अयोध्या जी रामलला के दर्शनों के लिए ज़रूर जाएँ और धर्म लाभ कमाएँ।